दादा विष्णु सक्सेना की उपस्थिति होती है वह अपने आप में सबसे बड़ा मंच होता है। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा, मैं इसलिए भी ये बात कह रही हूँ कि मैं बार बार तालियां बजाने का अनुरोध नहीं करूंगी। मैंने ये बात समझ ली थी कि यहाँ सब विशुद्ध श्रोता है, आप केवल सुन रहे हैं, रसा स्वादन कर रहे हैं, और पर थोड़ा थोड़ा आभास कराते रहिएगा कि आप जीवंत हैं, क्योंकि जब दादा यहाँ हैं तो मंच बहुत बड़ा है, तो इधर और उधर दोनों के तालमेल से कभी सम्मेलन सफल होता है। कहीं दादा यहाँ से जाएं तो इन्हें ये मलाल न रह जाए, क्योंकि हम तो संतुष्ट हैं कि विष्णु दादा यहाँ पर आए हैं, पर दादा को ये मलाल न रह जाए कि हम प्रयाग में किस कवि सम्मेलन में चले गए थे, श्रोता बिल्कुल अच्छे नहीं थे। नहीं नहीं, तो देखिए वंदना, आप विशेष ध्यान रखें। हालांकि मैं अपने हिस्से की पंक्तियाँ पढ़ूंगी, और यही आपके आंगन की तुलसी हूँ, और आपका स्नेह और प्राण मुझे हमेशा मिलता रहा है, तो मैं इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप बजाए या ना बजाए। और ये अपने यहाँ कहा जाता है कि लोग सुनते दो तरह से हैं, एक बिल्कुल मन की गहराइयों से सुनते हैं, आप उसी तरह से मुझे सुनिएगा, मन की गहराइयों से अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहिएगा, क्योंकि ऐसे भी श्रोता बहुत कम मिलते हैं जो मन से सुनते हैं, तो आप मन से मुझे सुने, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। बिल्कुल स्वागत है, और कर्षणा की आप लोग हैं ऐसा से श्रोता सुनने नहीं, ये बहुत तन्मयता से सुन और देख रहे हैं, और पूरे मन से कविता को समर्थन देंगे। एक बार जोरदार तालियों से एक बार आदेशित कर दीजिए, वंदना का मन बन जाएगा। हाँ वंदना पढ़े। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ आदरणीय दादाजी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, और चार पंक्तियां रखती हूँ अपने प्रयाग की माटी की, कि आखिर मेरा प्रयाग कैसा है, क्योंकि यहाँ अतिथि कवि आए हैं, इनके साथ ये पंक्तियां जाएंगी, आप सबके घर की पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। संस्कृति है जिसकी माटी, श्रद्धा श्रृंगार है, संस्कृति है जिसकी माटी, श्रद्धा श्रृंगार है, और पावन पुनीत संगम गंगा की धार है, हनुमत भी जहां कर आराम कर रहे, हनुमत भी जहां कर आराम कर रहे, ऐसे प्रयागराज की महिमा पार है, मेरे प्रयागराज की महिमा पार है। और चूंकि आज संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है, और अजय प्रेमी भैया ने बड़ा अच्छा ये संयोजन किया, मैं उनको एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ संयोजन के लिए, और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि आखिर हमें अपने संविधान का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। तब कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ध्यान भी रखना, हमारी युवा पीढ़ी बैठी है इन तक पहुंचे, सुनिएगा। जलाओ तुम दिए लेकिन तिमिर का ध्यान भी रखना, और चढ़ो पर तुम अंबर तक धरा का मान भी रखना, लहराओ तुम भले परचम हिमालय की शिखाओं तक, लहराओ तुम भले परचम हिमालय की शिखाओं तक, मगर माँ भारती की सभ्यता का मान तुम रखना, मगर माँ भारती की सभ्यता का मान तुम रखना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सबको एक बार पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ, और मंच से भी भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि ये आपको जो ऊर्जा देने का काम करता है। कुछ पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, मैंने ऐसा इसलिए किया कि आजकल कुछ विचार बदलते जा रहे हैं, और जो कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, हमारे विचार बदलते जा रहे हैं। सुनिए कि बच्चा घर से निकलते ही सयाना हो गया, बच्चा घर से निकलते ही सयाना हो गया, और दूसरों का दिल उसका ठिकाना हो गया, और मुद्दतें बीत गई माँ के पैर छूए। दादा सुनिएगा,
मुद्दतें बीत गई, माँ के पैर छुए, कलेजे से लगे जमाना हो गया, कलेजे से लगे जमाना हो गया। आइए सीधे सीधे श्रृंगार की कुछ पंक्तियों से जोड़ती हूँ, क्योंकि प्रेम की जब बात होती है तो हमेशा नायक और नायिका की होती है, परंतु मेरे दृष्टि में प्रेम क्या है वो बताने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि प्रेम रति काम नहीं, प्रेम दादा सुनिएगा, प्रेम रति काम नहीं, प्रेम सीता राम नहीं, प्रेम मीरा श्याम नहीं, प्रेम हड्डी चाम नहीं, प्रेम हमारे आपके बीच का अनुबंध है, प्रेम हमारे आपके बीच का अनुबंध है, और जो कभी न टूटे, जो कभी न टूटे ऐसा संबंध है। तो आइए वो प्रेम पढ़ती हूँ जिसकी वजह से हम यहाँ हैं और आप यहाँ हैं, सुनिए। स्वागत स्वागत स्वागत। प्रेम दरिया नहीं समंदर है, प्रेम दरिया नहीं समंदर है, प्रेम का बीज सबके अंदर है, प्रेम से जो दिलों को जी गीत कविता में प्रेम शेरों में, गीत कविता में प्रेम शेरों में, प्रेम शबरी के झूठे बे कैसा सुनेगा। हल्का हल्का